If you like my channel, please subscribe it and also press the bell icon for latest updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है आपकी। मेरा नाम मोहसिन असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाहौर लाहौर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो के लिए टाइटल टैग्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, और उसके अलावा आप किस तरह से तमाम रिक्वायरमेंट जो आपकी वीडियो के लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी वीडियो को रैंक करवाने के लिए, आपकी वीडियो पर जो है व्यूज़ और वॉच टाइम लाने के लिए ज़रूरी हैं, उनको किस तरह से आप फुलफ़िल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है टाइटल। टाइटल जो है वो इसको जो है कीवर्ड भी कहते हैं एसईओ की लैंग्वेज में। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है या एक ऐसी लाइन होती है जिससे यूट्यूब पर या किसी भी वेबसाइट पर सर्च करने वाला जो है सर्च इंजन पर जब वो कोई सर्च करेगा तो एक नाम से सर्च करेगा उसको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी। जिस तरह हम हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रखा है उसी तरह ही हम एक वीडियो अपलोड करते हैं तो समझे वो हमारा बच्चा है, तो हम उसका एक नाम रखेंगे ताकि सब लोग उसको उस नाम से पहचानें। तो एक टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहला मेन स्टेप जो है वो टाइटल ही होता है, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो टाइटल के ही वजह से सर्च में आएगी और टाइटल की वजह से ही लोग आपकी वीडियो को यूट्यूब पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। तो उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी वीडियो की तफसील है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं उसको, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी डिस्क्रिप्शन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हैं कि भाई चीज़ इसके बारे में क्या बताएगा, तो थोड़ी सी डिटेल बतानी ही है अपनी वीडियो से रिलेटेड क्या। जो थर्ड चीज़ है इसके अंदर वो है हैशटैग। हैशटैग आपने कई मतलब वीडियोस के ऊपर देखा होगा कि चंद अल्फाज जो होते हैं वो ब्लू कलर में शो हो रहे होते हैं। वो किसी वीडियो के टॉप पर आप देखिएगा कि उसके ऊपर तीन या चार जो हैं अल्फाज होते हैं या चार वो होते हैं लाइंस होती हैं, वो जो ब्लू कलर में शो होती हैं, तो वो जो है बेसिकली वो हैशटैग की वजह से होती हैं। हैशटैग ये वाला निशान होता है जो आपको अभी नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हैशटैग, ठीक है। तो जब आप किसी भी वर्ड के फर्स्ट पर इस हैशटैग को लगाते हैं तो वो हाइलाइटेड हो जाता है। तो किसी भी वर्ड या लाइन या किसी भी स्पेसिफिक लेटर को या किसी भी लाइन को आप हाइलाइट करना चाहते हैं तो आप उसके साथ हैशटैग लगाएंगे। तो हैशटैग की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी वीडियो में। जब आप किसी भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तीन हैशटैग्स डालने होते हैं, जो है आपका चैनल का नाम उसको आपने हैशटैग में डालना है, उसके अलावा दो वर्ड और आपने चूज़ करने हैं जिनको आप हैशटैग में डालेंगे। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं जी टैग्स। टैग्स क्या आते हैं, टैग्स बेसिकली ये समझ लें कि आपके वीडियो जो है उसका सेकंड टाइटल है, ठीक है ना। यानी कि आपकी वीडियो को रैंक करवाने में जो टैग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि जो सेकंड नेम होता है, आप ये समझ लें कि मैं इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड नेम है। तो आप जब एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसमें जो टैग्स डालते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी वीडियो जो है वो सर्च के अंदर आती है। जो वाईटी का स्पाइडर होता है वो आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है अगर कोई आपके से रिलेटेड आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है। उसके बाद है जी थंबनेल। सपोज़ किसी शॉप पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर डिस्प्ले में चीज़ें लगी हुई नज़र आती हैं, बहुत खूबसूरती से डेकोरेट की हुई, सजाई हुई नज़र आती हैं, तो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ जो इतनी खूबसूरती सजाई हुई थी ये मुझे देखनी चाहिए या मुझे ख़रीदनी चाहिए। इसी तरह जब आप एक थंबनेल बनाते हैं तो ये वीडियो की पहली पिक्चर होती है जो आपके चैनल पर और यूट्यूब के ऊपर शो होती है। जब आपका थंबनेल जो होगा उस तस्वीर को आप बनाकर लगाएंगे अपनी वीडियो के ऊपर, अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, प्यारा होगा, उसमें इन शॉर्ट जो है डिटेल्स दी होंगी कि आपकी वीडियो किससे रिलेटेड है, तो लोग आपकी थंबनेल को देखकर फौरन ही आपकी वीडियो को देखने के तरफ जाएंगे, उनको ये तजस्सुस होगा, वो क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि वो आपकी वीडियो को देखें। तो थंबनेल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो थंबनेल जो है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। किसी भी वीडियो का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो उसके थंबनेल से पड़ता है। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ गया तो यकीनन आपकी वीडियो को लाजमी लोग देखेंगे।
फर्ज करें आपकी वीडियो में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है या आपने उस क्वालिटी की वीडियो नहीं बनाई हुई, लेकिन आपने थंबनेल बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी वीडियो जो है आपके थंबनेल से भी हिट हो सकती है। जो नेक्स्ट है वो है वीडियो कैटेगरी। वीडियो कैटेगरी बेसिकली क्या है कि जब आप घर में भी या कहीं पर भी आपने हर चीज़ों की कैटेगरी बनाई होती है, मसालों के डब्बे होते हैं आपने किचन में लगाए होते हैं कि ये फलां चीज़ का मसाला है, ये फलां चीज़ का मसाला है, ये फलां चीज़ का मसाला है, तो हर चीज़ को आपने डिवाइड किया होता है। इसी तरह YT ने भी हर चीज़ को डिवाइड किया हुआ, इंटरटेनमेंट के लिए अलग कैटेगरी बनाई हुई है और नॉलेज के लिए और एजुकेशन के लिए अलग है और फन के लिए अलग है, तो म्यूज़िक के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अगर आप फर्ज करें आपका किचन से रिलेटेड कोई है, आप कोई कुकिंग करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी वीडियो को उसी कैटेगरी में डालें। उसके बाद है जी एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन बेसिकली जब आपकी वीडियो ख़त्म होती है तो आपकी लास्ट पर जो है ना आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है कि भाई ये मज़ीद मेरे पास वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। एंड स्क्रीन जो है वह आपकी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कोई आपकी वीडियो एक वीडियो देखी है जिसने और उसको आपकी वीडियो अच्छी लगी है, तो अब वो उसको पीछे जाने की बजाय आप उसको अपनी उसी वीडियो से रिलेटेड मज़ीद जो आपके पास वीडियोज़ हैं उसका एंड स्क्रीन दे दें, ताकि जो आपकी मज़ीद बाकी वीडियोज़ भी हैं, जो आपका व्यूअर है जो आपकी वीडियो वॉच कर रहा है, उसको आपकी वो बाकी वीडियो जो आपकी मौजूदा वीडियो से रिलेटेड है वो भी वहाँ पर एंड स्क्रीन पर आसानी से मिल जाए और वहीं पर वो क्लिक करके आपकी वीडियो को बाकी वीडियोस को भी देख ले। तो इससे क्या होगा कि इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी बाकी वीडियो जो रिलेटेड है आपकी कैटेगरी से, फर्ज करें आपने एक सीरियल वाइज आपने कुकिंग का कोई शुरू किया है, तो आप चाहते हैं कि भाई सारी सीरियल जो है लोग बारी बारी देख लें आपकी वीडियोज़, तो आप उसके एंड स्क्रीन पर उसके जो सीरियल होंगे या पार्ट होंगे या जो भी आपका होगा उसको पार्ट्स को आप मेंशन कर देंगे या एंड स्क्रीन पर आप लगा देंगे, तो आपकी वीडियोज़ को आप जो है पार्ट वाइज हर बंदा देख लेगा, तो इस तरह आपकी वीडियो जो है ना वो प्रॉपरली चलेगी भी और उससे आपकी वीडियोस जो हैं वो वायरल भी होंगी। अब मैं आपको प्रॉपरली करके भी दिखाता हूँ। ये वीडियो अपलोड करने के बाद जो सबसे अहम काम है वो टाइटल और टैग्स चूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके पास यकीनन कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर के बगैर अगर आप करना चाहते तो किस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम खोलना है, गूगल क्रोम के अंदर अपनी जो है आपके रिलेटेड वीडियो हो उसको सर्च करना है। मेरी PSL के हवाले से है, इमाम लॉक और व्हाट्सएप की लड़ाई के हवाले से, तो मैं लिखूंगा इमाम हक एंड वॉटसन फाइट। ठीक है, ये मेरी वीडियो है, मैंने पहले मैं गूगल पे देखूंगा। ठीक है, तो ये जितनी भी है ना आपने, ये वाली पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इस तरह आपने ये पहले जो 10 टॉप कीवर्ड्स है ना, ये वाले ये कीवर्ड्स है, इन पहले टॉप 10 कीवर्ड्स को आपने लिख लेना है अपने पास कहीं पर, या आपके पास नोट पैड है उसके अंदर कॉपी कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर आपने इनको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं यूट्यूब पर जाऊंगा, यहाँ पर ये यूट्यूब आ रही है, सारी यूट्यूब की वीडियोज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितनी भी होंगे मैं इन सबको जो है इनको भी नोट डाउन कर लूंगा। ठीक है ना, ये मेरे पास जितने भी हैं इनके पहले जो टॉप 10 है ना उनको जो है मैं नोट डाउन कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने पहले 10 नोट डाउन कर लिए हैं, इनमें से मुझे जो ज्यादा प्रॉपर लगेगा, जैसे ये है इमामुल हक एंड शीन वॉटसन फाइट वीडियो PSL फाइनल 2019। ठीक है, इसको मैं कुछ चेंजिंग करके ना, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करके, तो इसी को इसको या इसको या इनमें से सब में से एक कीवर्ड जो है मैं अपनी वीडियो के लिए चूज कर लूंगा। ठीक है, और बाद में इन्हीं में से ही मैं टैग्स जो है ना वो चूज करूंगा, जैसे इमामुल हक एंड वॉटसन फाइट एक टैग हो गया, PSL फाइनल 2019 ये दूसरा टैग हो गया। ठीक है, इमामुल हक मिस बिहेव विद शेन वॉटसन ये तीसरा टैग हो गया, और हाउ होल नेशन स्टेडियम कराची रिएक्ट्स वेन इमामुल हक, ठीक है ना, इस तरह ये एक चौथा टैग होगा। इस तरह मैं इनके अंदर से ही जो टैग्स बना लूंगा। ठीक है ना, अब आपको समझ आ गई होगी ये किन के टैग्स किस तरह बनाने हैं आपने। ठीक है, यानी कि आप इमामुल हक एंड वॉटसन एक टैग बना सकते हैं, इमामुल हक अलग एक टैग बना सकते हैं, वॉटसन का अलग एक टैग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप यानी कि इस अकेले कीवर्ड से आप 3-4 बना सकते हैं, जैसे इमामुल हक एक हो गया और इमामुल हक मिसबिहेव्ड 2 आ गया, इमामुल हक मिसबिहेव्ड विद शेन वॉटसन 3 आ गया, वॉटसन एंड इमामुल हक फाइट 4 आ गया। ठीक है ना, इमामुल हक एंड वॉटसन फाइट PSL फाइनल 5 आ गया। इस तरह से आप एक ही कीवर्ड के अंदर से बहुत से वो हैशटैग बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे रियल स्टोरी बिहाइंड शेन वॉटसन एंड इमामुल हक
ये भी एक हैशटैग बन जाएगा, ठीक, सॉरी टैग बन जाएगा। तो इस तरह से आपने बनाने हैं। ये मेरी एक वीडियो थी जिसको मैंने अपलोड कर लिया है। अपलोड का तरीका तो सबको मालूम है कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये अपलोड का बटन आ जाएगा, उसके बाद आपने अपलोड कर लेनी है। तो ये वीडियो थी, ये मैंने कर ली है। सबसे पहले मैंने इसका टाइटल चूज़ किया है, ये मेरी एक वीडियो थी तो मैंने इसका टाइटल जो है सिलेक्ट किया ये वाला। तो सबसे पहले आपने टाइटल सिलेक्ट करना है, कोशिश करनी है कि टाइटल जो है आपका जो है वो एक, यानी ये जो एक अलग टाइटल है और ये अलग टाइटल है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपका जो टाइटल हो ना उसकी दो अलग अलग जो है ना कीवर्ड हो। ये मेरा एक कीवर्ड अलग है और इसके बीच में ये डाल के मैंने दूसरा कीवर्ड लिखा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बीच में जो है ना अपने नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही लिखा हुआ है तो मैं इसके लिए इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठाऊँगा, कॉपी करूँगा इसको सीधा, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया इसके डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर मैंने जो है इसका डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया है। ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया बीच में। जब आप अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आपने अपनी वीडियो का टाइटल उसके अंदर ज़रूर मेंशन करना है। डायरेक्टली नहीं मेंशन करना, आपने एक फ़्लो के अंदर जिस तरह एक लिखते हैं तो उसके अंदर आपने शो करना है कि ये आपकी वीडियो का टाइटल है। उसके बाद आपने वीडियो में जो है तीन हैशटैग डालने हैं, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको हैशटैग, आपने हैश डालना है बीच में, ठीक है। ये वाला हैशटैग मैंने डाला हुआ है। आपने हैशटैग किस तरह डालना है मैं एक हैशटैग आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे फर्ज करिए PSL फाइनल है, आपने जब मैन्युअली आपने लिखना है तो यहाँ पे आपने हैश लिखना है, हैश, उसके बाद ये जो आपका जो भी आपका हैशटैग हो उसको बीच में आपने जो है ना ये वाला, कई लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो है ये वाला नीचे वाला इस्तेमाल करना है, ये जो बीच में स्लैश है ये जो नीचे आता है, ठीक है ना, ये वाला इस्तेमाल करना है PSL में, आगे FINL फाइनल, और उसके बाद ये डालना है सेरेमनी, ठीक है जी, ये आ जाएगा मेरा। आपने जब ये बीच में ये वाले नीचे जो है ये स्लैश डालेंगे तो ये आपका जो पूरा की ये जो स्लैश है, सॉरी, ये आपका जो हैशटैग है ये पूरा जो है हाईलाइट होगा। अब आपने इसको कोशिश करनी है, आप इनके बगैर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप बीच में ये वाली जो है इस तरह करके ये आप ना डालें, ठीक है ना, तो फिर भी आपका हैशटैग जो है वो सारा ही हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हर जो है ना वर्ड है वो अलग अलग नज़र आए, ठीक है। मैंने इसलिए इसके अंदर ये डाला है, स्लैश डाला ताकि जो हर वर्ड है ना वो अलग अलग नज़र आए इसमें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको हटाकर आप अलग अलग वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने हैशटैग डालना है यहाँ पर। ये मैंने हैशटैग डाल दिया इसके अंदर और इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया जो इससे रिलेटेड था मेरी वीडियो से। उसके बाद जो आपने काम करना है, आपने जहाँ डालने इसमें टैग्स, टैग्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो मैं एक एक करके इसके अंदर टैग्स जो है वो कॉपी कर लूँगा यहाँ से और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा सारे टैग्स। इस तरह से टैग्स डालने हैं आपने इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने सारे अपने जो हैं इसमें टैग्स वगैरह डाल दिए हैं, ये आपके सामने टैग्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये इसकी लिमिट है, ये जो है 483 मेरे अभी हुए हैं, 500 इसकी लिमिट है कि आपने इसके अंदर 500 जो है लेटर्स के तक आप इसके अंदर वो लिख सकते हैं, और ये 5000 आपका डिस्क्रिप्शन का है लिमिट है। उसके बाद जो है मैं अपना डालूंगा इसमें जो है थंबनेल जो मैंने इसके लिए बनाया है, तो उसको मैं डालूंगा जो कस्टमाइज थंबनेल है। कस्टमाइज थंबनेल आपने अच्छा सा जान डालना है, अट्रैक्टिव सा, तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो देखता हूँ मैं मेरा थंबनेल यहाँ पर कहाँ पर, ये वाला मैंने थंबनेल बनाया हुआ इसमें, तो मैं इसको थंबनेल को अपलोड कर दूंगा इसके साथ ही, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं एंड स्क्रीन है और एक और चीज़ है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। देखें उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी और भी सेटिंग्स हैं, ट्रांजिशन और मोनेटाइजेशन मेरी क्योंकि ऑन है तो मैं इसको नॉन स्किपेबल इस पर मैं कर दूंगा ऐड, ठीक है। इसके बाद एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में आपने इसकी, मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी, मैंने बताया था जो कैटेगरी आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है कि आपकी इसकी कैटेगरी कौन सी है। तो मैं यहाँ पर मैंने जो बताया था कैटेगरी के हिसाब से मैं इसकी कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ये स्पोर्ट्स आ गया, मैं इसकी कैटेगरी में सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने वीडियो को पब्लिश कर देना सिंपली बस। उसके बाद आपने अपने क्रिएटिव स्टूडियो में जाना है। क्रिएटिव स्टूडियो में जाएंगे तो आपने उसके बाद जो है अपनी जो आपने वीडियो अपलोड की है आपने उसके ऊपर जाना है। ये मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी, इसको मैं खोल लूँगा और आप देखेंगे साइड पे जो है आपको नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको कार्ड्स और एंड स्क्रीन नज़र आ रहे होंगे, तो आपने एंड स्क्रीन के ऊपर जो है ना क्लिक करना है। नीचे जो एंड स्क्रीन है इसके,
जब आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और बॉक्स खुल जाएगा। ये खुल गया है, यहाँ पर आपने एंड स्क्रीन ऐड करनी है। आपने ऐड के बटन पर क्लिक करके आपने वीडियो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और वहाँ पर चूज पर करना है। यहाँ से आपने जो वीडियो आपने एंड स्क्रीन में डालनी है उसको स्क्रीन पर डाल देना है आपने। यहाँ पर आप 3 वीडियोस डाल सकते हैं एंड स्क्रीन पर। ये सिलेक्ट एक वीडियो सिलेक्ट करके आपने उसमें डाल देनी है और इसको प्लेस कर लेना जहाँ पर आप रखना चाहते हैं इस वीडियो को और जहाँ पर आपकी वीडियो के अंदर ये प्ले में शो हो। मैं इसको ड्रैग ड्रॉप ड्रैग करके आपको दिखा दूँगा कि प्ले टाइम लाइन में कहाँ पर शो होगी। इस तरह आप इसको ड्रैग करके किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह आप मज़ीद वीडियोज़ जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। 3 वीडियो हो गई है मेरी एंड स्क्रीन पर, ठीक है जी। ये एंड स्क्रीन हो गई है मेरी 3 वीडियो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आप डालेंगे इसमें, वो होगा आपका सब्सक्रिप्शन बटन। जो आप सब्सक्राइब के लिए कोई आपको ये वीडियो पर आता है तो उसको सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर डालूंगा और इसकी जो सब्सक्राइब का वो होगा उसको मैं आगे तक ड्रैग करूंगा ताकि ये शुरू में ही लोगों को शो हो जाए कि आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। तो इस तरह करके मैं इसको सेव कर दूंगा। ये मैंने 3 एंड स्क्रीन इसमें डाल दी हैं। आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। ये मेरा देखें आ गया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बटन जो कुछ सलग था, और उसके बाद जो है ये पहली वीडियो ये वाली आएगी यहाँ पर, ये एंड स्क्रीन में सबसे पहले ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली। ये 3 जो है जब मेरी वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद ये जो है वीडियोज इस तरह उनको शो होंगी, ठीक है। तो ये होगी सेव, इसको हम कर देंगे ख़त्म यहाँ पर। उसके बाद होता है जी एंड कार्ड होता है। कार्ड जो शो होते हैं बीच में, यानी कि ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे डॉट्स के साथ रिकमेंडेड वीडियोस शो हो रही होती हैं, तो आपने इसके अंदर कार्ड्स वगैरह भी डाल लेने हैं वीडियो के अंदर। तो मैं इसके अंदर प्लेलिस्ट है मेरी पूरी, मैं उसको प्लेलिस्ट का ही कार्ड डाल दूंगा यहाँ पर। प्लेलिस्ट लूंगा इसको, एक ही प्लेलिस्ट लूंगा कोई भी, ये वाली, ठीक है। तो ये मेरा कार्ड जो है, ये देखें आप बटन शो हो गया उसके ऊपर। ये जब इसको कोई इस तरह क्लिक करेगा तो उसके सामने ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लूँगा ताकि जो है जो कहाँ पर ये शो होगी, ये टाइमलाइन में जहाँ पर आप शो करवाना चाहते हैं ये वहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। यकीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, किसी किस्म का भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।